इस क्वेश्चन का मतलब है कि कर्व सर्फिस एरिया एक सिलेंडर का है एट एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस उसके बेस का है सेवन सेंटीमीटर तो हमें क्या निकालना है हमें उसका हाइट निकालना है तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कर्व सर्फिस एरिया एरिया इज इक्वल टू कितना है एट एट्टी एट एट जीरो जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या है रेडियस इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर अब हमें क्या बोला है हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालने हमें पता है कर्फिस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग पहले वो लिखते हैं तो कर्व्ड सर्फिस एरिया एरिया इज इक्वल टू कर्स सर्फिस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर एच तो हम लोग इससे अपना एच निकाल सकते हैं तो हम लोग अपना वैल्यूज पुट करेंगे कर्फिस एरिया क्या होट एट जीरो जीरो इज़ इक्वल टू टू इंट ट्वेंटी टू बाई सेवेन इंटू आर क्या है हमारा सेवेन इंटू एच तो सेवन और सेवन कट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू एट एट ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी टू इंटू टू कितना होता है फोर्टी फोर एच है ना तो फोर्टी फोर एच इज इक्वल टू एट एट ज़ीरो ज़ीरो एच इज़ इक्वल टू कितना होगा एट एट ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर विच इज इक्वल टू टू हंड्रेड ये हो गया हमारा हाइट और यही हमसे पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं देफो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई, आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर